Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello friends and welcome to this video. आज हम बात करेंगे exoplanets पर. तो आइए बढ़ते हैं. Exoplanets क्या हैं? Exoplanets ऐसे planets हैं जो हमारे solar system के बाहर हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये planets दूसरी stars को orbit करते हैं. एक्सोप्लैनेट्स ज्यादातर स्टार्स की ब्राइट ग्लेयर के कारण छुप जाते हैं और इस वजह से टेलीस्कोप से भी ठीक से नहीं दिखते. इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स इन प्लैनेट्स का स्टार्स पे अफेक्ट देखकर स्टडी करते हैं. 1995 में माइकल मेयर और डिडलियर क्वेलोज ने पहला एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया था. उसका नाम 51 Pegasi b था. एक्सोप्लैनेट्स देखने के लिए नासा ने 2009 में केपलर नामक एक खास स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था. 2018 मिड मार्च तक केपलर ने 2345 एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है और दावा किया है कि 2245 और हैं. कुल मिलाकर अब तक अलग अलग ऑब्जर्वेटरी से 3706 एक्सोप्लैनेट्स खोज किए गए हैं. केपलर ने कुछ रॉकी प्लैनेट्स भी डिस्कवर किए हैं जो उनके स्टार्स से एक स्पेशल डिस्टेंस पे हैं. इस स्पेशल डिस्टेंस को हैबिटेबल जोन कहते हैं, जिसपे लाइफ बस सकती है. तो ये थे एक्सोप्लैनेट्स के बारे में कुछ जानकारी. क्या आप एक्सोप्लैनेट्स के बारे में कुछ और फैक्ट्स जानना चाहते हैं? सुनिए एक्सोप्लैनेट्स पर कुछ फैक्ट्स. एक्सोप्लैनेट्स अलग अलग साइजेस, मास और ऑर्बिटल पोजिशंस के होते हैं. कुछ एक्सोप्लैनेट्स अर्थ जैसे छोटे होते हैं तो कुछ जुपिटर जैसे बड़े. उनकी ऑर्बिटल पोजीशन भी अलग अलग हो सकते हैं. कुछ एक्सोप्लैनेट्स स्टार के पास होते हैं तो कुछ दूर होते हैं. एस्ट्रोनॉमर्स एक्सोप्लैनेट्स का सरफेस टेम्परेचर, ऑर्बिट, मैग्नेटिक फील्ड और कलर मेजर करते हैं. ऐसा माना जाता है कि एडवांस टेक्निक से एस्ट्रोनॉमर्स और भी कैरेक्टरिस्टिक्स की खोज कर सकते हैं. कुछ फेमस एक्सोप्लैनेट्स के नाम हैं जेमा सीफाई एब, पीएसआर 1267+12b&c, 51 Pegasi b, Kepler-186f, Kepler-11f, MURAC. नासा ने और भी मिशंस प्लान किए हैं जिससे और भी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में पता चल सकता है. उम्मीद है ये सब जल्दी हो जाएगा. चलिए ये जानें कि इंडिया का इन एक्सोप्लैनेट्स की खोज में क्या योगदान रहा. अहमदाबाद से फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL के कुछ साइंटिस्ट ने सब सैटर्न या सुपर नेपच्यून साइज जैसे एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं. ये एक्सोप्लैनेट अर्थ से 27 टाइम्स और 6 टाइम्स रेडियस के जितने बड़े हैं. ये एक्सोप्लैनेट्स अर्थ से लगभग 600 लाइट ईयर्स दूर हैं और सूरज को रिवॉल्व करते हैं. साइंटिस्ट ने उस स्टार को एपिक 211945201 या K2-236 नाम दिया है और प्लैनेट को एपिक 211945201b और K2-236b ये नाम दिया है. साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये खोज उन्हें सुपर नेपच्यून और सब सैटर्न जैसे एक्सोप्लैनेट्स कैसे फॉर्म होते हैं ये जानने में मदद करेंगे. अब एक्सोप्लैनेट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज से 5 बिलियन ईयर्स के बाद सूरज एक्सपैंड होके एक बड़े से लाल रंग के बॉल जैसे हो जाएगा और अर्थ उसमें समा जाएगा. कुछ लोग ये मानते हैं कि हम ये सब देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे और इसीलिए दूसरे प्लैनेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं. लेकिन मान लो कि हम इंसान तब तक जिंदा रहें, या फिर समझो हमारी पॉपुलेशन अर्थ पर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब क्या करेंगे? ऐसी गंभीर स्थिति से बचने के लिए साइंटिस्ट एक्सोप्लैनेट्स को इतना महत्व दे रहे हैं. तो ये थी कुछ जानकारी जो आपको एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है. अगर आपको एक्सोप्लैनेट्स इंटरेस्टिंग लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक्सोप्लैनेट्स पर डिस्कशन ज़रूर स्टार्ट करें. ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और टेस्टबुक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाएँ. इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू.